तो किसी ने एक शेर कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, और इसी बात को मानते हुए हमारे पप्पू सॉरी राहुल गांधी जी ने कहा है कि एक शिकंजी बेचने वाला आदमी कोको कोला कंपनी का मालिक बन सकता है और एक ढाबा चलाने वाला आदमी बिग बॉस का विनर बन सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हमारी जनता क्यों नहीं कुछ बन सकती है? तो बहुत ढीठ, आइए मिलवाता हूँ। मतलब अभी हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है कि एक शिकंजी बेचने वाला आदमी कोको कोला कंपनी का मालिक बन गया, तो आपको क्या लगता है ऐसा हो जाता है? नहीं। नहीं। क्यों आप अभी अपनी कंपनी के मालिक नहीं बने इसलिए? नहीं नहीं, शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति कोका कोला मालिक बनने के लिए आज की स्थिति में नहीं हो सकता है। क्या काम करते हो? हम तो आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट हैं जी। तो आप क्या दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्ट नहीं बन सकते? खुद पे विश्वास नहीं है? नहीं नहीं, बनने के लिए ढाबे वाला आशुतोष रोडी तो बिग बॉस का विनर बन सकता है। आप बन सकते हो क्योंकि आपके पास स्टेमिना था, आपके पास स्टेमिना हेल्थ थी, आप... आपको होल्डिंग से पराठे खिला दें, स्टेमिना बढ़ाएं। नहीं नहीं, हेल्थ आपकी अच्छी थी, हेल्थ अच्छी थी, आपका गेटअप बढ़िया था, तो आपको उसको अपॉर्चुनिटी मिली। आज दिन का तो कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, आज दिन की बोलने की स्टाइल अच्छी है, उसको हर एक का अच्छा होना चाहिए, तो मतलब गेटअप की जरूरत तो नहीं रही। उसका मतलब ओरिजिनलिटी उसके चेहरे पर लगती है। हम ये पूछ रहे हैं, अभी राहुल गांधी ने ये कहा है कि शिकंजी बेचने वाला एक आदमी कोको कोला कंपनी का मालिक बन गया। कौन? एक जो शिकंजी बेचता था पहले, तो मतलब उसने शुरुआत बहुत नीचे से की लेकिन बहुत ऊपर तक पहुंच गया। तुम क्या कहोगे इस बारे में? तुम भी शिकंजी बेचते हो? मैं तो शिकंजी बेचता हूँ। तो आजा आगे को, यहाँ तो खड़ा हो जा, मैं थक गया हूँ। तू शिकंजी बेचता है? हाँ। ये क्या लड़कियों की तरह क्या कर रहा है? शिकंजी बेचता है, तेरे सपने नहीं है कोको कोला का मालिक बनेगा? नहीं। और मैं तो केवल शिकंजी बेचता हूँ, आगे नहीं बढ़ना जिंदगी में? आगे तो बढ़ना है, मगर ये तो सोच रहा हूँ कुछ और, ये शिकंजी का तो बंद कर दूंगा। तो ऐसा कर, शिकंजी में किसी दिन जहर मिला के पी ले। ऐसा क्यों करूंगा? फिर क्या करना है तुझे काम? तो मैं तो शिकंजी बेच रहा हूँ, केवल अलावा कुछ का कर रहा हूँ। आगे क्या करेगा फिर? आगे जो करना है वह सब करूंगा। जो करना है क्या करेगा? अभी राहुल गांधी ने कहा शिकंजी बेचने वाला कोको कोला कंपनी का मालिक बन गया। आप एक बताइए, यंग जनरेशन का कोई आया आज तक जो पीएम बना है? कोई भी नहीं आया। आशुतोष बिग बॉस बन के ढाबा चलाने वाले हैं? आशुतोष बिग बॉस बने ढाबा चलाने वाले हैं। तो तुम अभी भी सेल्समैन बन रहे हो? अरे सेल्समैन की क्या बात है, हम तो फिर किसी दिन रात को अपने मालिक को मार के उसके मालिक बन जाओ। नहीं नहीं, मोदी जी चाय बेचने वाले पीएम बन सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। फिर तुम क्या सेल्समैन रह गए अभी तक? सेल्समैन धीरे धीरे बढ़ेंगे, एकदम से थोड़ी कब बढ़ोगे? एकदम से थोड़ी बुढ़ापे में बढ़ोगे? बुढ़ापे में नहीं भाई, कब बढ़ोगे? बुढ़ापे में नहीं, बढ़ जाएंगे, ऐसी कोई बढ़ जाएंगे, अभी तो बाल ही बढ़ रहे हैं, ये कटवाओ पहले। अरे बाल की बात है भाई। ठीक है, क्या काम करते हैं आप? झाड़ू का काम करता हूँ। झाड़ू बेचते हो? हाँ। अभी राहुल गांधी ने कहा शिकंजी बेचने वाला कोका कोला कंपनी का मालिक बन गया, तुम अभी तक झाड़ू बेच रहे हो? बड़े शर्म की बात है सर। तुमने तो ऐसा लग रहा है अपनी किस्मत पे झाड़ू लगा दी। अरे नहीं, कैसे? फिर तो राहुल गांधी गलत कह रहा है। राहुल गांधी का क्या है, वो जो मर्जी कहते। कभी मन नहीं करता झाड़ू अपने पीछे लगा के मोर बन जाऊँ और नाचू मैं, मोर नहीं बागा में नाची रहे हैं, मन नहीं करता। अगर राहुल गांधी कह रहा है कोका कोला बेचने वाला आदमी जो पहले शिकंजी बेचता था वो कोका कोला का मालिक बन गया, तो क्या ये बात आपको लगती है कहीं से सच है? आई थिंक नो, नहीं बन सकता। क्या हिम्मत हार गई हो क्या? नहीं नहीं, लगता है जरा हिम्मत हार गई हो। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनका कुछ बन नहीं सकता। मतलब नहीं है ही नहीं, तो कहाँ से बन जाएगा? है ही नहीं। और क्या क्या पढ़ रहे हो यार तुम? यार फिर शिकंजी बेचने वाला कोको कोला? हाँ, पिज्जा पिज्जा का हट का मालिक भी ऐसा ही था। अरे शिकंजी थोड़ी बेचता है, शिकंजी बेचने वाला बना, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री नहीं बने? हाँ, तो शिकंजी बेचने वाला कोको कोला थोड़ी है। ढाबा चलाने वाले श्री श्री 1108 आशुतोष जी रोडी बिग बॉस के विनर बने, एक ढाबा चलाने वाले। हाँ वो तो मुझे पता है, फिर मुझे पता है, पर शिकंजी वाला कोको कोला मिले उनसे आशुतोष जी से? नहीं नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा। अच्छा, इंस्टाग्राम पे देखा। तो बताओ शिकंजी बेचने वाला नहीं बन सकता? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, पर जो है कोको कोला बना रहा है उसने कभी शिकंजी बेची नहीं है। तुम तो कुछ भी नहीं बनोगे फिर? अरे यार मैं नेगेटिव सोच रहे हो। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बन सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि कोका कोला बेचने वाला जो है वो शिकंजी बेचने वाला नहीं था। अच्छा, ये क्या? अच्छा, वो शिकंजी बेचने वाला था ही नहीं। हाँ, मतलब राहुल गांधी ने यहाँ भी फेंक दी। ऐसी फेंकते हैं और करते हैं। जो संस्कारी लिखा हुआ है और उसमें धुएं चल रहे हैं, तो मतलब आज की डेट में सिगरेट पीने वाला संस्कारी है? ये तो ट्रेंड है, ट्रेंड है। हाँ जी, अगर मेहनत करेगा तो कुछ भी बन सकते हैं। तुम यहाँ खड़े खड़े क्यों टाइम खराब कर रहे हो? तुम तो ही नहीं मेहनत कर रहे हो।
आपने रोक लिया, खड़े हो गए, मेहनत ही कर रहे हैं। मैं कहूंगा लेट जाओ तो मैं लेट जाओगे? नहीं, फिर लेट जाओ ना। मेरे ऊपर ब्लेम मत डालो। क्या बनोगे बड़े होके? पता नहीं बड़े होकर क्या बनोगे, पता है नहीं। फिर टाइम तो खराब कर रहे हो जी। हां, मान लिया आपने खुद ये बात, बड़े होकर बनेंगे ड्राइवर। ड्राइवर? और कितने बड़े होगे भाई, पहले तो ये बताओ, बुढ़ापे में बनोगे? नहीं, ये उम्र है, अब कितने बड़े होंगे, हो गए तो पूछो, बुढ़ापे में बनोगे क्या? नहीं, अब ड्राइवर बन के इधर उधर देखोगे तुम तो ठोक दोगे गाड़ी पे। नहीं, एम्बुलेंस चलानी है, सेवा करनी है लोगों की। एम्बुलेंस? हाँ जी। तुम्हें लग रहा तुम एम्बुलेंस चलाने लायक हो? अभी तो लड़के देख रहे हो। राहुल गांधी ने कहा है कि एक शिकंजी बेचने वाला कोका कोला का मालिक बन गया, क्या पॉसिबल है ये? अरे आज की डेट में ऐसे पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन जो उनके फैक्ट्स हैं वो काफ़ी गलत रहते हैं। ये भी गलत है? हाँ। आपने बुक्स वगैरह पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो वाकई में सच है यार। मैंने? हाँ, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। तो बताओ, ये नहीं पता होगा आपको, ये तो मोटिवेशनल है। मैं भी बताते हैं कि भाई कोका कोला कंपनी वाला पहले शिकंजी बेचता था। गलत है? गलत है, गूगल है आपके पास, सर्च करके खुद भी देख लोगे। मेरे पास है, मुझे पता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही हॉट से भी हॉटेस्ट शो हिंदी मीडियम, क्योंकि हॉट इतना हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, बहुत दिन से नहीं हुए बूंदा बांदी, और ऊपर से चल रही है धूल भरी आंधी। और आइए आज जनता से पूछते हैं कि सरकार ने कहा है कि सांधी का इलाज यही है कि मिट्टी भर के घर में रख लो, पौधे लगाओ, ग्रीनरी बढ़ाओ। आओ, 3 दिन से देश में धूल भरी आंधियां चल रही हैं, तो सरकार कह रही कि भाई हम पे कोई इलाज नहीं आंधी का, ऐसा करो बोरी में भर के घर में रख लो। अच्छा, मोदी जी कुछ इलाज नहीं करवा रहे, पौधे उगाओ। अरे ये तो बड़ा बेकार है भाई, कुछ ना कुछ तो करवाना पड़ेगा सरकार को, वरना में क्या हो गया, वरना कैसे होगा इलाज? कुछ ना कुछ तो करवाना पड़ेगा। तो सरकार कह रही है कि भर के रख लो बोरी में, धूल आ रही है मिट्टी, उसमें पौधे लगा लो। तो मोदी जी को बोलो ना, मोदी जी पीएम क्यों बनाए? योगा पीएम क्यों बनाए? हाँ, वो तो इंडिया गेट पे योगा कर रहे हैं, वो वहीं मिलते सुबह, फिटनेस कर रहे हैं पूरी, वो फिट रहेंगे। गरीबों को यही हाल होगा कि भाई धूल मिट्टी में घूमो, आंधियां उड़ाओ तुम, आंधियां उड़ाओ, हाँ आंधियों में, और वहीं में मिल जाओ, मिट्टी हो जाओ, वो तो एक दिन मिलना ही है। सही कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं। तुम मिट्टी भरोगे? मिट्टी का क्या कर सकते हो, जो ऊपर में मिट्टी हो रही है, क्या करें बताओ, इस मिट्टी का क्या करें? नहीं नहीं, वो कैसे, वो तो गलत है ना, वो गलत है ना, वैसे पौधे लगाना ठीक है, लेकिन नहीं ये तो सही नहीं है। क्यों, पौधे लगाना सही नहीं है, धूल इकट्ठी करके? पौधे लगाना सही बात है, लेकिन ये थोड़ी धूल इकट्ठी करते रहे, घर के दरवाजे खोल देंगे धूल इकट्ठी करने। सरकार क्या करे इसमें? सरकार कुछ ना करे, हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। और क्या, देखो आंधी एंजॉय करो, कभी तो आती है साल में, आंधी एंजॉय करें। और क्या, सबको एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। मतलब एकजुट होने से? एकजुट होकर इसमें आपसी सहमति भी होनी चाहिए, है ना, हर कोई वाली की, आपकी सबकी सहमति हो। हम निरीक्षण कर रहे हैं पूरी चीज का। क्या कर रहे हैं? निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण? हाँ। तुम यहाँ के जिला अध्यक्ष हो? नहीं, बाबा है, बाबा। बाबा कौन से? जोनी जोनी है बाबा? नहीं नहीं, योगी राम शुगर नो बाबा। नहीं 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 नहीं, क्या ये गवर्नमेंट भी बढ़िया आई है? तो आप योगी बाबा? यस। आप हो? यस। योगी आदित्यनाथ आप हो? वो हमारे भाई हैं। बड़े भाई हैं छोटे? बड़े भाई हैं। उम्र में तो आप बड़े लग रहे हैं। नहीं, वो एक आध दूसरा का फर्क है। हा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप बिल्कुल फर्जी बाबा से हो? फर्जी तो है ही, शुरू से फर्जी है, फर्जी है। फिर असली कौन है जब बाबा भी फर्जी है? असली तो हरिद्वार में बैठे हुए हैं। हरिद्वार में? मुझे लग, मैंने सुना आशुतोष बाबा जो सहारनपुर बैठे हैं वो भी बहुत असली है, बहुत विद्वान है। अरे उनकी मत बोल, भगवान आदमी है, हमको भगवान थोड़ी ना है। नहीं, यही सुनने में आ रहा उनके, जो उन्होंने गरीबों का इलाज कर दिया, जो बीमार थे ठीक कर दिए, बिल्कुल करते हैं वो, करते हुए आए हैं। आशुतोष कौशिक जी बाबा है। अरे उनका तो नाम है था, वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, वो तो जिसको भी हाथ धर देते हैं सही हो जाता है। अरे हम पे रखे, मेरा हाथ जल गया बाबा, उड़ जाएगा तो फूक से, फूक से उड़ जाएगा। यस। कौन आप? मैं फूक से उड़ जाऊंगा? जब आप रखोगे हाथ तो क्या होगा? मैं फूक से उड़ जाऊंगा, दिखाना उड़ा के? जल जाओगे आप, जल के दिखाओ। नहीं ऐसे नहीं जाते हम। अच्छा ऐसे नहीं जलाते। अच्छा बाबा जी, 3 दिन से धूल भरी आंधी चल रही है, मुझे लगा तुमने कोई फूक मारी होगी। नहीं नहीं नहीं, ये पंडूतों की माया है, ऊपर से गोला फूट रहा है। गोला फूट रहा है? हाँ, धूल का, धूल का ऊपर गोला है। हाँ। मुझे तुम नीचे बहुत बड़े गोले लग रहे हो। अरे यार ये तो तुम्हारी पहचान गलत है, तुम्हारी बातें लपेटनी पड़ेगी। अच्छा कोई जादू है दिखाओ कुछ? हम जादू करते नहीं, कुछ नहीं करते। और क्या करते हो? आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद दे दो बाबा हमें, लो जय बाबा की। आज सही हो गया, आज कमर का दर्द भी ठीक हो गया। ये गलत है, इतनी धूल है कहाँ, उसमें बोरी में कितनी भर लेंगे? जितनी भरी जाए, 2 बोरियां 3 बोने, पौधे लगा लो। अरे इतनी कहाँ है, इतनी देश में अपनी इतनी धूल मिट्टी है, ये कहाँ भरी जाएगी? इतनी देश की नहीं, जो तुम्हारे घर में इकट्ठी हुई। हमारे घर में साफ सफाई, झाड़ू लगाने वाले थोड़ी हो, देश की साफ सफाई है सर। साफ सफाई? हाँ जी। सफाई क्या होती है? सफाई तो सपा वाले होते हैं, समाजवादी पार्टी वाले जी। साफ सफाई क्या होती है? मतलब
क्लीन है मतलब साफ है वहाँ। अच्छा साफ है। गंदगी ना रहे। मैंने सफाई तो बोलते ना समाजवादी पार्टी जी। ये आम आदमी की जवाबदारी थोड़ी है धूल को भरना और ये कंट्रोल करना। धूल का इलाज किसकी जवाबदारी है? ये तो एक्चुअली तो कुछ कुदरत का भी है कि आंधी का मौसम है अभी तो इसके बाद अब तो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। अब हम तो आए हैं यूपी से। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से आए हैं हम अभी। जी सर अभी इधर के बारे में हमें भी जानकारी नहीं है। पौधे लगाने के लिए सरकार कह रही है, आपको तो खुद के पौधे उड़ के सिर पे। देखिए ये मौसम है इसका जो है वो ऊपर वाले की उस पर डिपेंड करता है। बाकी इस बार गर्मी हालांकि देरी से आई उतना गर्मी आज भी नहीं है सही महीने, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है चाहे ऐसा हो। मगर इस मामले ये अपना अपना वो है स्टाइल है। तो देखा दोस्तों आपने हमारी जनता का ज्ञान, मन तो ऐसा करता ही नहीं उस आंधी में ही तू फेंक, इसलिए ले लेता हूँ एक ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। डांग 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 डांग